अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। इसके लिए चाहिए होगा 1 कप साबूदाना, 1 घंटे के लिए हमने भिगो कर रख लिया है, 1 कप चीनी, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, आधा टेबल स्पून हरी इलायची पाउडर, 1 लीटर दूध, 1 खाने का चम्मच देसी घी, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर। सबसे पहले बर्तन लेंगे, बर्तन में हम भीगे हुए साबूदाने को डाल देंगे। इसके साथ ही हम दूध डाल देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। हमने दूध को डाल लिया है, दूध उबाल आने तक हम इधर कॉर्नफ्लावर पाउडर को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम साइड में रखेंगे। हमने मिक्स करके साइड में रख लिया है। इधर हमारा दूध उबाल आ चुका है, अब हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि नीचे लगने का डर है थिकनेस की वजह से। हमने गैस मीडियम टू लो पे रखा है। हमारा दूध अच्छी तरह से उबाल आ चुका है और हमारे साबूदाने भी अच्छी तरह से गलने लगे हैं। दूध में ही हम साबूदाने को गलाएंगे क्योंकि साबूदाने की खीर बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप देख सकते हो हमारे साबूदाने अच्छी तरह से गल चुके हैं और दूध भी हमारा आधा हो चुका है। आप देख सकते हो हमारा साबूदाना कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। 1 कप चीनी को डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे चीनी डालने के बाद, क्योंकि चीनी भी पानी अपना रिलीज करती है। चीनी डालने के बाद हम आधे टेबल स्पून हरी इलायची पाउडर को डालेंगे और अच्छी तरह से फिर 1 से 2 मिनट पकाएंगे। इस स्टेज पर आकर अब हम कॉर्नफ्लावर और पानी को अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रखा था, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमको जितना थिकनेस चाहिए होगा उतना थिकनेस तक हम इसको डालते जाएंगे खीर में। अगर पूरा लगा तो मैं पूरा डाल दूंगी, फिर एक बार मैं थोड़ा डालूंगी इसमें और फिर पकाऊंगी। कॉर्नफ्लावर पाउडर डालने के बाद हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद ही समझ में आएगा कि इसका कितना थिकनेस आता है। थिकनेस आना शुरू हो चुका है, ठंडा होने पर और अच्छे से थिकनेस आ जाएगी। साइड में हम छोटा पैन ले लेंगे, इसमें देसी घी को डाल देंगे, घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट डाल देंगे। हमने इसमें कटे हुए बादाम, पिस्ता, चिरंजी, काजू, मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। इसको हल्के से गोल्डन करेंगे, ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे। इधर हमारी साबूदाने की खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने साबूदाने की खीर की गैस बिल्कुल बंद कर दी है। इस स्टेज पर आकर अब हम घी और ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर साबूदाने की खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब इसे हम डिश आउट करेंगे। हमने साबूदाने की खीर को डिश आउट कर लिया है, सैफरॉन से हमने गार्निश कर लिया है। साबूदाने की खीर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।